प्रतिनिधि हैं, हम सबके पास, हम सबने वो दौर देखा है। तो क्या परिवर्तन आया है कोविड के जाने के बाद अब से जो समय रहा है, और क्या आप असर कर रहे हैं अभी? जब कोविड का समय आया उस समय मैं चुना हुआ जनता के द्वारा जनपद नहीं था। उस समय जो हमारे जिले के जिलाधिकारी जी थे उन्होंने हमारी थोड़ी मदद की। हमने फोन किया, हमने कहा हमारी 3 गाड़ियों को हमें परमिशन दे दीजिए, व्यक्तिगत जो गाड़ी है, तो कोविड में निकल के मदद कर सकूं। खैर हमने एक लोगों को भेजा, उन्होंने तुरंत परमिशन दी, हमने क्षेत्र में कोविड में काम करना चालू किया। बगैर किसी पद पे रहते हुए अपनी विधानसभा में उस समय कोविड काल में 120 हैंट्री सैनिटाइजर मशीन लगवाई थी, सब जगह सैनिटाइजर बांटा, उसकी पूरी हम सूची हमारे पास है। अभी जैसे विधायक बने तो पहला हमने क्षेत्र में काम किया, अचलगंज में हमारी विधानसभा का एक कस्बा अचलगंज आता है टाउन एरिया, वहां पे बहुत बड़ा स्वास्थ्य केंद्र था, अस्पताल था पूरे ब्लॉक का, सिकंदरपुर कर्ण ब्लॉक का जो हॉस्पिटल मुख्य है वो अचलगंज में था लोहचा में। वहां पिछले 4 साल से उसके लिए कर्मचारी था, टेक्नीशियन था एक्सरे मशीन के लिए, और फ्री में गवर्नमेंट के द्वारा उसको पेमेंट दिया जा रहा था परमानेंट। हम जब गए तो वहां एक डॉक्टर वाजपेयी जी थे, तो उन्होंने हमको बताया भैया हम तो कर्मचारी को पे भी मिल रही लेकिन यहाँ एक्सरे मशीन नहीं। उसी समय हमने निर्णय लिया और विधायक विकास निधि से 32 लाख की डिजिटल एक्सरे मशीन तुरंत स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने क्षेत्र में लगवाने का काम किया। उसके अलावा जिलाधिकारी जी से निवेदन करके उसी चिकित्सालय में CDS फंड के द्वारा जहां हमारी माताओं बहनों का प्रसव होता है वहां का पूरा रिनोवेशन का कार्य कराया गया।